हाय दोस्तों, मैं दिग्गज के चौहान रनिंग डिफेंस एकेडमी नीमच में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन नेवी ने अगस्त 2019 के लिए सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स की वैकेंसी निकाली है, जो 2500 के लगभग अप्रोक्सीमेटली 2500 समथिंग है वैकेंसी। तो उसकी चलो उसकी तरफ चलते हैं, अपन नोटिफिकेशन की तरफ। तो इंडियन नेवी SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स अगस्त 2019 में आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। और वैकेंसी है 2500, एज रखी गई इसमें 1 अगस्त 1998 से 31 जुलाई 2002 के बीच में। ये दोनों डेट कॉम्बिनेशन है, 1 और 31, ये भी डेट होनी चाहिए अंदर। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं, तो इसमें 10+2 रखा गया, मतलब 12th मैथ्स और फिजिक्स आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री भी हो सकता है, CS भी हो सकता है, या बायो भी हो सकता है, एडिशनल आपके कुछ भी हो सकता है। उर्दू आपका, हिंदी, इंग्लिश, और किसी आपका बोर्ड हो, कोई से बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड प्लस अपने CBSE बोर्ड हो। अब ऑनलाइन डेट कब आप फॉर्म भरोगे उसकी डेट है 14 दिसंबर से लगाकर 30 दिसंबर 2018 तक आप इस SSR का फॉर्म भर सकते हैं, जो इंडियन नेवी की साइट पर जाकर आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो सेलर फॉर्म पर जाके। अब इसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं अपन। चलो आ गए हम इंडियन नेवी की नोटिफिकेशन की तरफ। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स SSR अगस्त 2019 बैच फॉर कोर्स कमेंसिंग अगस्त 2019। अब इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं अपन। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए अनमेरिड मेल कैंडिडेट विल बी अप्लाई, और इसकी वैकेंसी है 2500 वैकेंसी के लगभग आई है ऑल इंडिया जॉब्स। तो आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन आपकी 10+2 यानी 12th होनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए, उसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट आपके केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस, तीनों में से कुछ कोई भी हो तो भी चल जाएगा आपके लिए। फॉर्म द बोर्ड ऑफ स्कूल इक्विशन रिकॉग्नाइज्ड बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए बिटवीन 1 अगस्त 1998 से लगाकर 31 जुलाई 2002 के बीच होनी चाहिए। अब आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को नोटिफिकेशन में पूरी तरह से देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप क्या करते हो, इस वीडियो को स्किप करते जाओ, आपको जो जानकारी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और आप फटाफट देख लेते हो। आपके अलाउंस तो इसका आपका 14,600 रुपये तो आपको इसमें दिया जाएंगे ट्रेनिंग टाइम में, और 21,700 ट्रेनिंग के बाद, और आपका जो लेवल 3 से लगाकर लेवल 8 तक आपका प्रमोशन होता जाएगा, 70,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। प्रमोशन आपको लेवल 3 से लेवल 4 लेवल 5 आपका होता जाएगा। आपके पास आपका इंश्योरेंस कवर होगा इसमें सब कुछ आपको जो भी नीड। अब आते हैं इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के, तो सिलेक्शन पर रिक्रूट्स बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल फिटनेस होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो पहले आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBE बोलते हैं इसे, तो इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर रहेगा, और आप में इसमें 11 12th से का सिलेबस रहेगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा और मल्टीपल चॉइस रहेगा। अब आपके इसमें 100 क्वेश्चन में इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज रहेगा। आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके एक क्वेश्चन में 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। अब फिजिकल फिटनेस की तरफ चलते हैं। आपने एग्जाम पास कर लिया, एग्जाम पास करने के बाद आपका फिजिकल होगा, 1600 किलोमीटर रनिंग होगी, 7 मिनट में आपको निकालना रहेगा, 20 उठक बैठक स्क्वाड आपसे बोलते हैं, और 10 पुशअप लगानी रहेगी आपको। उसके बाद आपको एडवाइजरी, प्रोफेशनली इन स्पोर्ट्स स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी इज डिजायरेबल। अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। आपके मेडिकल स्टैंडर्ड आपके आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मिनिमम आपकी हाइट होनी 157 सेंटीमीटर, और वेट एंड चेस्ट शुड बी प्रोपोर्शनेट मिनिमम चेस्ट एक्सपेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। चेस्ट फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। अब सेलर की वैकेंसी है,
और आपका जो है मेडिकल आंखों का विजुअल स्टैंडर्ड बेटर आई है 6x6 होनी है, और रॉस आई है 6x9 और विथ ग्लासेस, जिसने ग्लास पहन रखा 6x6 और रॉस 6x6। टेटूज आपके शरीर पे नहीं चलेगा। और ट्रेनिंग टाइम में आप अगस्त 2019 से 22 वीक के लिए बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आईएनएस चिल का। अब डिस्चार्ज और ये तो आपको बाद में जब आप ज्वाइनिंग हो जाए तब आपको फीस है आपकी फॉर्म भरने की ₹205। और चलो ये हो गया। अब आते हैं अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी तरफ, इसका हाई अप हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें आप, और प्लस अब आते हैं आपके पास फेब्रुवरी 2019 में आपकी ये इसकी एग्जाम होगी, और ज्वाइन इंडियन आर्मी .com पर जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, और आपका एडमिट कार्ड जुलाई जनवरी 2019 लास्ट में आ जाएगा। और आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, डोमिनिकल सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, आप अभी जो फॉर्म भरते टाइम लगाओगे वही आपको आगे जाके देना होगा। आप उसके बाद भी कोई दूसरे सर्टिफिकेट लेकर तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा, और आपको और आपका जो हो जाएगा तो 10,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलवाया जाएगा, ठीक है। और 21 मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, जब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया आपका फिजिकल, तो फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका ये हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कौन सी डेट को करें आप, 14 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो गया हो जाएगा इसका फॉर्म, और 30 दिसंबर 2018 को इसका एंडिंग हो जाएगा। तो आप वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर आप इसे लॉगिन करके, ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो, और फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो भी डालूंगा, तो आप मेरे यूट्यूब पे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।